फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड को अनरूट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख ही सकते हैं, मेरे पास अभी रेडमी 3S प्राइम है और उस पर मेरा जो मोबाइल है वो पूरी तरह से रूटेड है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि रूट स्टेटस कैसे चेक करते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाके रूट चेकर ऐप को डाउनलोड करके अपना मोबाइल का रूट स्टेटस जान सकते हैं। तो सबसे पहले का जो आसान तरीका है आपका मोबाइल को अनरूट करने का, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपको सुपर यूज़र ऐप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा कि फुल अनरूट जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल है वो पूरी तरह से अनरूट हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो मैन्युअली है, यानी कि आपको रूट एक्सप्लोरर पे आना है, उसके बाद यहाँ से जहाँ पे एप्स आता है, एप्स इंस्टॉल है, उस पे आना है। आपका जो सुपर यूजर ऐप है वो यहाँ पे, या फिर यहाँ से सिस्टम के जो ऐप्स आते हैं उस पे आपको मिल जाएगा। अगर यूज़र ऐप पे नहीं है तो मेरा जो यहाँ पर सुपर यूजर है वो यूज़र ऐप में है, तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस पे आ जाना है। डिवाइस पे आ जाने के बाद आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पर एक्सबिन पे जाना है, और यहाँ पर अगर आपको SU नाम की अगर आपको फाइल मिलती है तो उसको डिलीट कर देना है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है SU, और जो फोल्डर आता है उसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। जो भी फाइल है उसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, और उसी के साथ यहाँ पर SU.D जो फाइल है, सॉरी फोल्डर है, उसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो हम वापस से इसको अपना जो रूट स्टेटस है उसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, इसको क्लोज करके यहाँ से वापस से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका मोबाइल है वो पूरी तरह से अनरूट हो गया है अब। तो इसी तरह से आप अपने एंड्रॉइड को अनरूट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।